हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, विंटर आ चुके हैं और विंटर में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है। तो मैं स्किन हाइड्रेशन के लिए कुछ सोच रही हूँ, तो आज मैं आपको बता देती हूँ आज मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ। ग्लैम की केप प्ले मैंडरिन ब्राइटनिंग शीट मास्क। जी हाँ, ये मैंने बाय किया है माइग्लैम से और मुझे रिसीव हुआ था। ये 145 रुपीज इसकी एमआरपी है, जो कि बहुत ज्यादा क्वाइट अफोर्डेबल है। इसकी पैकेजिंग भी आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारी सी है। एंड हम सब जान अपना फेस वॉश कर लिया था और अब मैं यूज कर रही हूँ प्लम का ग्रीन टी टोनर, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और आने वाली वीडियोस में आपको ये दिखेगा कि मैंने कहाँ से बाय किया और कितने में बाय किया। और इसको मैं अच्छे से अपने फेस पे लगा लूंगी, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस में मेंशन था कि आपको टोनिंग करना जरूरी है, बिकॉज टोनिंग हमारी हेल्प करती है हमारे पोर्स को मिनिमाइज करने में। अच्छा, मैं यहाँ पे सीजर की हेल्प से जो माइग्लैम का शीट मास्क है इसको कट कर रही हूँ और इसके अंदर से इसको निकाल रही हूँ। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इसमें बहुत ही ज्यादा सीरम था, आप देख सकते हैं कि वीडियो में भी। तो अप्लाई कर रही हूँ, आप अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग इसको प्लेस कर सकते हैं। और इसको मैं बाद में सेट कर लूंगी, बिकॉज ऑन कैमरा ये अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा था, नोज एरिया से आपको दिख ही रहा होगा। और आप देख सकते हैं कि मेरे हैंड पे भी बहुत ज्यादा सीरम है, इस शीट मास्क में बहुत बहुत ज्यादा सीरम था। और इसको मैं अच्छे से अपने फेस पे सेट कर लूंगी और इसको 20 to 30 मिनट्स के लिए मैं छोड़ दूंगी, ताकि अच्छे से ये मेरे फेस में ऑब्जर्व हो जाए ये सारा का सारा सीरम। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका वो अच्छे से लग चुका है 20 से 25 मिनट्स तक। और अब मैं क्या करूँगी, जो एक्सेस सीरम है उसको अच्छे से अपने फेस में मसाज कर लूँगी। और मसाज आपको ज़रूर करनी है शीट मास्क लगाने के बाद। और ये क्लेम करता है माइग्लैम की आपकी स्किन को ब्राइट करता है, वो सच में इसने मेरी स्किन को ब्राइट किया था। रेटिंग के अकॉर्डिंग मैं इस प्रोडक्ट को 10 out of 10 मार्क्स देना।